सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट देने का काम करता है। आज का जो अपडेट है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 के बारे में। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ का एग्जामिनेशन सर्कुलर आ चुका है। सेमिस्टर पैटर्न ही नहीं बल्कि आपके एनुअल यानी कि ईयरली पैटर्न के लिए भी एग्जामिनेशन का जो सर्कुलर है वह आ गया है। यदि आप न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स में लेटेस्ट सर्कुलर देखें तो वह एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्कुलर है सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के लिए। यहाँ पर प्रेस रिलीज आ चुका है, यहाँ पर न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स में आपको यह सारे सर्कुलर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर प्रेस रिलीज में भी आपको कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अभी फिलहाल न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स में आपके लिए एग्जामिनेशन सर्कुलर SPPU पुणे यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। अब आप यहाँ से सीधे अभी स्क्रॉल डाउन हो रहा है तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए डायरेक्टली हम आपको यहाँ से न्यूज़ दिखा देते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के दो सर्कुलर ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 17 मई 2020 को यह अपलोड किया गया है, ऐसा दिखा रहा है, यानी कि यह सर्कुलर अभी का है, लेटेस्ट सर्कुलर है। इस तरह आपको इस सर्कुलर से जानकारी क्या मिलेगी, यह सर्कुलर नंबर 94 और 93 है। इसमें 93 का जो सर्कुलर है वह सेमिस्टर पैटर्न स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए है और एग्जामिनेशन सर्कुलर 94 जो है वह एनुअल ईयरली एक्सटर्नल डिस्टेंस पैटर्न स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर दोनों ही सर्कुलर हमने डाउनलोड किए हैं। इसमें क्या है, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के लिए, जो कि पूर्वी से पुणे विद्यापीठ है, जो कि ओल्ड विद्यापीठ के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने इस प्रकार से है। पहले आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में जानकारी दी गई है। मई जून 2020 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाने वाली है उसमें सभी छात्र जो है विविध वर्षातील सर्व पात्र छात्र व इच्छुक विद्यार्थियों परीक्षा आवेदन पत्राची, यानी कि जो छात्रों ने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है उन्हें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने होंगे, यह अनिवार्य है। इसके सिवाय आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी सत्र में से क्यों ना हो। जिन विद्यार्थियों ने, जो छात्र जून 2020 के एग्जामिनेशन में आयोजित एग्जामिनेशन में समय से पूर्व इससे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिए होंगे उन्हें यह एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वह SPPU पुणे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म 2020 भरने की उन्हें जरूरत नहीं है। मई जून 2020 में अब जो एग्जामिनेशन की जरूरी बात है, आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ की, तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म 2020 की लिंक शुरू होने वाली है 19 मई 2020 से 28 मई 2020 तक। आप लास्ट डेट 28 मई 2020 तक सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, SPPU यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरे पेज पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद एग्जाम किस प्रकार से होने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म आपको भरने होंगे। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपके एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है, यदि आपका जो रेड जोन में आपकी इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे छात्र जो रेड जोन में है और उनकी जो कॉलेज है वह रेड जोन में होंगी तो वह इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि SSPU हेल्पलाइन पर आपको किस प्रकार से कॉन्टैक्ट करना है। यह इस प्रकार से आप अपने सभी एग्जामिनेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट लेवल पर भी भर सकते हैं, जो कि 28 मई के बाद आप पूरा कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट लेवल के फॉर्म आप 30 मई 2020 तक फॉरवर्ड करने आवश्यक है। इस बीच में यदि किसी एग्जामिनेशन फॉर्म किसी छात्र के नहीं भरे गए हैं तो विशेष छूट के साथ विशेष बाप की तरह जून 2020 के एग्जामिनेशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी जो शुल्क है वह आकारा नहीं जाएगा और उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया जाएगा, लेकिन जो शुल्क लागू होगा उन्हें वह भरना होगा। अब देखते हैं अंतिम वर्ष के विद्यार्थी के अलावा जो बाकी के छात्र है, लोवेस्ट सेमिस्टर निम्न सत्रों के छात्रों के एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी। अंतिम वर्ष वगळता इतर विद्यार्थ्यांच्या लेखी अथवा प्रात्यक्षिक अशा कुठल्याही परीक्षा केंद्रावर पारंपरिक पद्धतीने हजर राहून प्रत्यक्ष परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत, यानी कि अंतिम ईयर अंतिम सेमिस्टर के अलावा सभी प्रकार के निम्न सेमिस्टर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस या फिर जो थ्योरी एग्जामिनेशंस ली जाती है उस प्रकार की कोई भी एग्जामिनेशंस नहीं कंडक्ट की जाएगी इस साल। उन्हें कैरी फॉरवर्ड यानी कि उन्हें
आगे प्रमोट कर दिया जाएगा और उसी के अनुसार रिजल्ट भी आने वाला है। उपरोक्त विषयाच्या विविध विषयांच्या परीक्षांचे निकाल शासन निर्देशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 50% अंतर्गत असतील यदि उपलब्ध हुआ तो। यानी कि जो आपके रिजल्ट आने वाला है SPPU सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का, तो वह इंटरनल असेसमेंट के 50% मार्क्स के आधार पर होगा यदि वह उपलब्ध होगा तो। यदि उपलब्ध नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो पिछले वर्ष के सेमेस्टर की एग्जामिनेशन से 50% मार्क्स के आधार पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और एक और बात हम आपको कहना चाहेंगे कि दिए गए ऊपर दिए गए सभी छात्रों की प्रात्यक्षिक और मौखिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है, जो कि निम्न सत्र के छात्र है। सिर्फ लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर जिनका होगा उन्हीं छात्रों के एग्जामिनेशन होने वाली है। मूल्यमापन महाविद्यालयीन स्तरावर या वर्षातील पूर्वीच केलेल्या अंतर्गत मूल्यमापन जर्नल स्टॅम्पवर्क मौखिक परीक्षा अथवा अभ्यासक्रमाच्या नमूद तत्सम तरतुदी यांच्या आधारावर केले जाईल। बाकी जो भी निम्न सत्र के छात्र है उनकी एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट आने वाले हैं वह उनके इंटरनल असेसमेंट, उनके जर्नल स्टॅम्पवर्क, उनकी जो पिछले इंटरनल असेसमेंट के एग्जामिनेशन है उसके आधार पर लिए जाएंगे और उसके आधार पर भी मार्क्स दिए जाएंगे। अब जरूरी बात, ऊपर दिए गए छात्रों की बैकलॉग सब्जेक्ट्स की परीक्षा जुलाई 2020 में नहीं होने वाली है। यानी कि निम्न सत्रों के जो छात्र है उनकी एग्जामिनेशन नहीं होगी, सिर्फ लास्ट ईयर के छात्रों की एग्जामिनेशन होने वाली है। जो निम्न सत्रों के छात्र है जो कि लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर के अलावा लोवेस्ट ईयर सेमेस्टर के छात्र है उनकी एग्जामिनेशन आने वाले नए 2021 सेमेस्टर्स के 120 दिन के बाद ली जाएगी और यह जुलाई 2020 के रिजल्ट के बाद परफॉर्मेंस भी उन्हें इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए होगा तो वह अगले सेमेस्टर में ले सकते हैं। इस प्रकार से एग्जामिनेशन से जुड़ा अपडेट था। अब अंतिम वर्ष के रेगुलर बैकलॉग और जो बाकी के छात्र हैं रेगुलर रिपीटर और बैकलॉग उनके संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है यही जानकारी यहाँ पर भी दी गई है और बाकी का जो है अदर डिटेल्स यहाँ पर वह डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिंक हम आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी वही डिटेल्स है, सिर्फ जरूरी जानकारी किन छात्रों की एग्जामिनेशन होगी और किसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा यही जानकारी एक्स्ट्रा है सेकंड सर्कुलर में। यहाँ पर देख सकते हैं किन की एग्जामिनेशन होगी। यदि 2 वर्षीय सिलेबस होगा, यदि 2 वर्ष का कोर्स है, तो उनके चौथे सेमेस्टर की छात्रों की चौथे सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होगी। 17 यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड से बैकलॉग सब्जेक्ट्स होंगे तो उनकी एग्जामिनेशन होगी यदि आप लास्ट सेमेस्टर के लास्ट ईयर के छात्र है। यदि लोवेस्ट सेमेस्टर के निम्न सत्र के छात्र है तो उनकी रेगुलर एग्जाम में नहीं होगी और बैकलॉग एग्जाम में नहीं होने वाली है। उसी प्रकार से यह तीनों पॉइंट्स भी है, सिर्फ यह आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं कि यदि 3 वर्ष का कोर्स है तो कौन से सत्र के छात्र के विद्यार्थी होंगे और उनकी एग्जामिनेशन होगी और उनके बैकलॉग की एग्जामिनेशन होने वाली है। यहाँ पर दिए गए लास्ट सेमेस्टर ईयर्स के विद्यार्थियों की रेगुलर सत्र की एग्जामिनेशन होंगी और उनके बैकलॉग अगर सब्जेक्ट्स होंगे तो उनकी भी एग्जामिनेशन अभी जुलाई 2020 में होंगी, लेकिन निम्न सत्र के छात्रों की ना रेगुलर एग्जामिनेशन होने वाली है और ना ही बैकलॉग एग्जामिनेशन अभी होने वाली है। एक्स कैंडिडेट जो कि लोवेस्ट सेमेस्टर्स के है लास्ट सेमेस्टर्स के पहले के, तो उनके एग्जामिनेशंस आने वाले सेमेस्टर में यानी कि आने वाले एकेडमिक ईयर 2020-21 में 120 दिन बाद होने वाली है। और कैरी फॉरवर्ड किने किया जाएगा तो अंतिम वर्ष यानी कि अंतिम वर्ष और अंतिम ईयर के सेमेस्टर के छात्रों के अलावा जितने भी लोवेस्ट सेमेस्टर्स के छात्र है रेगुलर उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। अब आपको समझ गया होगा कि क्या हम कहना चाहते हैं और क्या यहाँ पर सर्कुलर में दिया गया है। आशा करते हैं आपको SPPU यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस डिटेल्स 2020 समझ में आई होगी और एग्जामिनेशन सर्कुलर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी 2020 के सर्कुलर की जानकारी भी पसंद आई होगी। यदि आपको इसी प्रकार के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड जानकारी चाहिए, एग्जामिनेशन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 2020 की जानकारी आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, जिससे सभी छात्रों को सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की जानकारी सबसे पहले मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।